तो आखिरकार सैमसंग के जिस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की चर्चा काफ़ी दिनों से होती आ रही थी, कंपनी ने उसे आज न्यूयॉर्क में लॉन्च कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्सी नोट 9 की। एक बार फिर से आपको इसमें एस पेन मिलता है और ये फ़ोन दमदार फीचर्स के साथ आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है खास सैमसंग के इस नए नोट सीरीज के स्मार्टफोन में। सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 इस बार भी आपको अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा। हालांकि लुक्स वाइज इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए, लेकिन कंपनी ने इसके एजेस और कर्व्स को थोड़ा रिफाइन कर दिया है। साथ साथ अब कैमरा प्लेसमेंट और फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट भी चेंज कर दी है, यानी अब फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो इजिली एक्सेसिबल है। यही नहीं, इसमें आपको बिक्सबी बटन के साथ साथ IP68 की सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है। साथ साथ जब गैलेक्सी नोट सीरीज की बात आ रही है और हम एस पेन का जिक्र ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नोट सीरीज की सबसे खास बात है इसका एस पेन, और इस बार भी इसमें आपको एस पेन मिल रहा है जो कि आपके सारे प्रोडक्टिव काम तो करेगा ही, लेकिन कंपनी ने अब इसमें एक नई टेक्नोलॉजी डाली है, यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इसके बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी म्यूजिक को प्ले पॉज तो कर सकेंगे, साथ साथ अगर आप कैमरा ऐप ओपन कर लें तो इस बटन की हेल्प से आप फोटोज भी क्लिक कर पाएंगे। वहीं बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलेगा 6.4 इंच का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। साथ साथ इसमें आपको सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी आपका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। साथ साथ आप इस फोटो में खुद देख सकते हैं कि कंपनी ने एक बार फिर से इसमें नो नॉच अप्रोच को फॉलो किया है, और इसमें आपको ऊपर और नीचे की तरफ छोटे छोटे बेजल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशन पर नजर डालेंगे तो इसके दो मॉडल्स हैं हमेशा की तरह, यानी एक में आपको स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट मिलता है और एक में एक्सिनॉस 9810 चिपसेट, जो कि कंपनी का खुद का प्रोसेसर है। साथ साथ इसमें आपको 6GB रैम और 8GB रैम वेरियंट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है, और आप इसकी मेमोरी को हाइब्रिड सिम स्लॉट के जरिए एक्सपैंड कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी पर नजर डालें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4000mAh की बैटरी मिल जाती है। नोट सीरीज प्रोडक्टिविटी के साथ साथ मीडिया और फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी फेमस रही है, और इस बार भी ये फ़ोन आपको फोटोग्राफी के मामले में ज़रूर पसंद आने वाला है। जी हाँ, नोट 9 में आपको मिलता है 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रे सेंसर, जो वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है, यानी f1.5 से लेकर f2.4 तक आपको इसमें अपर्चर मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिलेगा, जिसमें f1.7 का अपर्चर दिया गया है। अब अंत में देखा जाए तो ये फ़ोन शायद आपको थोड़ा सा महंगा ज़रूर लग रहा होगा, पर ये कोई पहली बार नहीं जब कंपनी नोट सीरीज़ के स्मार्टफोन को हाई रेंज पर लेकर आई है। पर हाँ, इस बार नोट करने वाली बात ज़रूर है कि कंपनी ने इसमें कई दमदार फीचर्स मुहैया कराए हैं। ऐसे में ये फ़ोन अपने एस पेन और इन बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस की वजह से आज मार्केट में उपलब्ध कई सारे स्मार्टफोन से बेहतर साबित होता है। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन जो है कंप्यूटर से जुड़े कई सारे टास्क को पूरी करने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि माना जा रहा है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को बहुत जल्द, यानी अगस्त के महीने ही इंडिया में भी पेश कर सकती है। पर एनीवे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी क्या राय है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को लेकर। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल, अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई आईडी में जाकर जुड़ सकते हैं, या फिर मैंने अपनी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।